सुनो नेताजी, इस बार ना चुनाव चिन्ह थोड़ा अच्छा लेके आना, पिछली बार वाला नहीं चलेगा। पिछली बार याद है ना, अपन हार गए थे उस चुनाव चिन्ह के चक्कर में, तो इस बार खास तौर से अच्छा वाला चुनाव चिन्ह लेके आना है, ठीक है? चलो मुन्ना, ये देखो क्या बढ़िया चुनाव चिन्ह लेकर आया हूं मैं इस बार। दिखाओ जरा। ये क्या नेताजी, केला? देखो तुम ध्यान से, क्या बढ़िया चुनाव चिन्ह है, इसको मैंने 10 लाख रुपए देकर खरीदा है ये चुनाव चिन्ह। नेताजी, चुनाव चिन्ह से कहा कद्दू चुनाव जीतेंगे अपन। पता है तुम्हें, इस बार है ना केले की डिमांड है मार्केट में बहुत। सही में नेताजी, केले की डिमांड है, तो चलो ठीक है, इस बार अपना चुनाव चिन्ह सिर्फ केला ही रहेगा। चलो चलो, ये लो नेताजी। ये क्या है नेताजी? आपका चुनावी भाषण है। अच्छा, आपको लोगों से झूठे झूठे वादे करने का है, और बुजुर्गों के और महिलाओं से प्यार से बात करने का, ठीक है? हाँ, और पिछली सरकार की आपको बुराई बताने का है। हाँ ठीक, समझ में आएगा ना? हाँ, ये चुनावी भाषण याद कर लो, इस तरीके से अपन को बोलने का, ठीक है? ठीक है नेताजी, ओके, जाओ तुम चुनाव प्रचार करो। जी नेताजी, हमारा वोट नेताजी के केले पर, हमारा वोट नेताजी के केले पर। मेरी प्यारी जनता, बताइए तुम्हारी क्या समस्या है? पिछली बार की भी सरकार ने बहुत से झूठे वादे किए, बस एक काम अच्छा किया, दीवार मजबूत बनाई है। क्या बढ़िया दीवार है। अरे नेताजी, तुमको समझाया जाने की पिछली पार्टी के बुराई बताने का। अच्छा। और लोगों से झूठे झूठे वादे करने का। हाँ, समझ में आया ना? ये क्या दीवार है, कद्दू मेरा ये दीवार है, ना तो इसमें ईंट है, ना तो इसमें मिट्टी है, ना तो रेता है, इसको कोई दीवार बोलते है? इससे अच्छी तो हमारी सरकार आएंगी ना, जब हम दीवार बनाएंगे। बताइए तुम्हारी क्या समस्या है। हमसे लड़की भी नहीं पट रही। अबे एक बार हमारे नेताजी को जीत जाने दो, फिर लड़के भी पटेंगे और भाभी भी पटेंगी। बड़े सस्ते हैं, महंगे कब होंगे? मैं लोकसभा से ऐसा बिल पास करूंगा जिसके पेट्रोल के दाम बहुत हाई हो जाएंगे। बस मुझे एक बार चुनाव जिता तो दीजिए, फिर देखो मैं तुम्हारी समस्या का कैसा हल करता हूँ। अरे तुम्हारी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, बस एक बार नेताजी के केले पर वोट तो दो। नेताजी चुनाव चिन्ह दो मुझे। ये लो मेरा केला। ये लो चुनाव चिन्ह, इसे पे वोट डालना चाहिए। जीतेगा भाई जीतेगा, नेताजी का केला जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, नेताजी का। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। देखो देखो कौन आया, शेर कौन आया, चोर आया चोर आया। देखो देखो कौन आया, भड़वा आया भड़वा आया। देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। देखो देखो कौन आया, भड़वा आया भड़वा आया। देखो देखो कौन मेरी तरफ से सबको एक एक हफ्ते का गोवा का ट्रिप फ्री। आज मेरी तरफ से सबको दारू, वो भी अंग्रेजी वाली। मेरी तरफ से गुलफाम कली का मुजरा मुफ्त में देखने को मिलेगा। हर साल ये पूरी जनता दोगली है। अरे नेताजी थोड़ा धीरे धीरे, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा, समझे? एक बार मेरी सरकार तो बनने दो, ये बीपी भी लो हो जाएगा। अरे नेताजी तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, इस बार तुम्हारी सरकार बनेगी। पिछली बार सरकार बनाई थी, 6 महीने भी नहीं चली, ले देकर सरकार बनाई थी। अरे तो नेताजी इस बार तुम्हारी परफेक्ट सरकार बन रही है, हमने बोल दिया ना, समझे? बेटा एक बार चुनाव तो जीत जाने दो, ये भी जेब भरूंगा, ये भी जेब भरूंगा, ये भी जेब भरूंगा। बेटा तुम उधर जाओ, परेशान मत करो पापा को। तुम्हारे कान में डेंगू है क्या बे? कहाँ ना पिछली दफा लीन चलेंगी, अबे बड़ा ढीला डांस करती है। इस बार नेताजी के जीतने पर भाभी जी का डांस होगा। अबे तुम्हारी नहीं बे, जगत भाभी का डांस होगा, समझे ना? जगत भाभी का डांस होगा। भाई भाई, नेताजी के जीतने पर भाभी जी का डांस होगा? हाँ बे, इंतजार करो। लेकिन इस बार नेताजी हार गए तो? बेटा साड़ी ब्लाउज पहनाकर तुम्हारा डांस होगा। नेताजी दो दो जगह से खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं से तो जीते जाएंगे ना, मनुष्य कहीं का।
अरे नेताजी जरा टीवी तो चालू करो, देखो तो क्या नतीजे आ रहे हैं। ये लो रिमोट, टीवी चालू करो। तो जबरन प्रदेश के चुनावी नतीजे आने लगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है मिस्टर फालतू जी, जो चुनावी विशेषज्ञ। तो मिस्टर फालतू जी आपका स्वागत है। धन्यवाद। तो मिस्टर फालतू जी हमारे दर्शकों को बताइए, इस बार केला पार्टी की सरकार होगी या फिर चालू पार्टी की सरकार होगी? देखिए इस बार प्रदेश की जनता का रुझान चालू पार्टी की ओर जाता है। केला पार्टी के नेताजी तो कचरे घोटाले में फंसे, इसलिए मुझे लगता है कि केला पार्टी के नेताजी का इस बार डब्बा गुल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। टोटल अपोजिशन का आदमी लगता है ये हमारा डब्बा गुल करेगा। बेटा एक काम करो, नंबर नोट करो इसका। हाँ नेताजी। एक बार नेताजी तो बन जाने दो, फिर इसको बताते हैं किसका डब्बा गुल होता है। अरे नेताजी तुम टेंशन मत लो, इस बार सरकार आप ही की बनेगी टोटल, समझ में आना, बस आप पेग बनाओ। तो हमें अभी अभी खबर मिली है कि केला पार्टी 100 वोटों से आगे है। सब जगह वही आ रहा है नेताजी। चैनल बदलो। चालू पार्टी के नेताजी 1000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। एक काम करो, टीवी बंद कर दो। सही बोला नेताजी आपने, सब कुछ अपोजिशन का ही बता रहा है। नेताजी हम चलते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। कहाँ जा रहे हो बेटो? अरे नेताजी बहुत काम है, को हम आते थोड़ी देर से, फिर मिलते हैं। अरे नहीं नेताजी, थोड़ी सी नहीं नेताजी, बस बस ठीक है नेताजी, हम जाते हैं। चलो ठीक। अबे हम बोल रहे हैं, अबे नेताजी का आदमी बोल रहा हूँ, समझे ना। हाँ ये बताओ क्या भाव चल रहा है मार्केट में? वाह यार 1/3। अच्छा सुन मेरी बात, मेरे 10 करोड़ रुपए लगा दे। हाँ नेताजी की हारने पर। अबे सही सुना तूने, नेताजी की हारने पर, समझे ना। बेटा ये क्या, तुम हमारी हार पे पैसे लगा रहे हो? नेताजी बहुत अच्छा दाम चल रहा है मार्केट में, समझे, 1/3 मिल रहा है। अच्छा बेटा अगर हम कहीं जीत गए तो 10 करोड़ रुपए देना नहीं पड़ेगा ले देकर? अरे नेताजी तुम कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो, अगर आप जीत गए तो किसी की हिम्मत है जो नेताजी के आदमी से पैसे मांगेगा? इनकी छोटी छोटी लिटिल लिटिल दुकानें हैं ना, सबको परमानेंट बंद करा देंगे अपन। अगर ऐसी बात है ना तो हमारे भी 20 करोड़ रुपए लगा दो। अरे नेताजी अपनी हार पे तुम जुआ खेलोगे? हमारी हार पर तुम कमाओ और हम ना कमाए? अरे नेताजी आपका तो पहले बनता है। चलो ठीक है मेरे को ये बताओ आपका कितना लगाओ? अरे एक काम कर मेरे भी 20 करोड़ लगा दो। हेलो नेताजी का आदमी बोल रहा, कसम से पहली बार ऐसा लग रहा है कि हारी जाओ। तो हमें अभी भी खबर मिली है कि केला पार्टी के नेताजी 6000 वोटों से हार गए हैं।